जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी उसी तरीके से उसी वाइब्रेशन में आपको ढूंढ रहा है। ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि कुछ भी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं होती है। हम कई बार ऐसी विश करते हैं क्योंकि वो विश आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है, इसीलिए आपके दिमाग में आती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में, एक बहुत ही पावरफुल मेथड के बारे में, जो आपको आपके विश को फास्ट मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में दे सकता है। और ये मेथड बहुत पावरफुल है, बहुत लोगों ने इसे यूज किया है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। कई कई बार तो ये एक बार में रिजल्ट देता है और कई बार ये 2 से 3 बार में ही रिजल्ट दे देता है। पर ऐसा नहीं है कि ये मेथड रिजल्ट देगा ही नहीं, ये हमेशा काम करता है। आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो बने रहिए वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं हूँ पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं वो ही आपको ढूंढ रही है। इसमें मैं अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं जब अपनी इंटर्नशिप करना चाहती थी तो मुझे चाहिए था कि मैं किसी के पास जाऊं और मैं उनके अंडर अपनी इंटर्नशिप करूं। तो मुझे एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं और मैं बिल्कुल न्यू, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं सिंपल से कोर्ट गई, मैं कोर्ट गई, वहां देखा मैंने, घूमी मैंने काफी सीनियर्स को देखा, और पता नहीं क्यों एक सीनियर जो थे उनके पास जाकर मैं बात करने लगी कि सर मुझे आपसे काम सीखना है, मुझे आपके पास इंटर्नशिप करनी है। अब सर ने पहले तो मुझे मना कर दिया कि नहीं, हमें इंटर्न की जरूरत नहीं है, हम नहीं रखेंगे कोई फीमेल इंटर्न, क्योंकि सर सिर्फ मेल इंटर्न के साथ ही काम करते थे। तो हुआ क्या कि जब मैं उनके पास गई तो उनको जब उन्होंने फिर भी मैंने कहा सर फिर भी मैं अगर आपके पास आ जाऊं और आपसे थोड़ा गाइडेंस लूं तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे, तो सर ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। तो मैं वहां गई, बैठी, सब जैसे मेरी बात हुई, काम हुआ और थोड़े 1-2 दिन में और जान पहचान बढ़ी। तब मुझे पता चला कि सर काफी टाइम से कोई इंटर्न ढूंढ रहे हैं, ऐसा इंटर्न जो उनके काम को संभाल सके, क्योंकि उनके जो सन थे, उनका जो बेटा उनके साथ काम करता था, उसकी शादी है 3 से 4 महीने बाद में, और सर उस वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते, काम नहीं कर पाएंगे कोर्ट में आके। तो सर ढूंढ रहे थे एक ऐसा इंटर्न जो उनके लिए उनकी जगह पर काम कर सके। तो आप देखिए कि मैं ढूंढ रही थी कि मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, वैसे ही सर भी मुझे ढूंढ रहे थे कि उनको कोई अच्छा इंटर्न मिल जाए जो उनकी हेल्प कर सके। तो अब हुआ क्या कि मैंने सर को ज्वाइन किया और सर के बेटे की जब शादी फिनिश हुई उसके बाद में मैंने वो इंटर्नशिप छोड़ दी। तो यहाँ से एक ये निकला कि मुझे जैसे जरूरत थी चीजों की, जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी वैसे ही वो भी ढूंढ रहे थे, और यूनिवर्स ने हम दोनों को मिला दिया इतने बड़े परमाइसिस में। मैं पता नहीं क्यों सिर्फ उन्हीं के पास गई और किसी के पास नहीं गई, मैंने उनके अलावा किसी से बात नहीं की, मैंने उनके अलावा किसी को नहीं पूछा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो ये यूनिवर्स का एक प्लानिंग थी कि जिसको मैं ढूंढ रही थी वो भी मुझे ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक मेथड यूज करना है, वो मेथड है विस्पर मेथड। विस्पर मेथड रात को यूज करना है, सोने से पहले यूनिवर्स को आपकी जो भी विश है उसको बोल दीजिए, फुसफुसा दीजिए, मन में बोल दीजिए, ऐसे लाउड बोलने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स को बोल दीजिए कि डिवाइन मेरी ये विश ग्रांट हो गई है, मुझे ये विश मेरी देने के लिए थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। इस तरीके से उनको बोलिए रात को और सो जाइए। कई बार जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ होगा उतनी स्ट्रांग ये चीजें काम करेगी। तो आप रात को बोलिए और सो जाइए। तो ये मेथड है जो कई बार मुझे इस मेथड ने बहुत बार बहुत फास्ट काम किया है मेरे लिए। जैसे सपोज कीजिए कि मेरी कोई चीज खो गई है, मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं यूनिवर्स को बोल के सो जाती हूँ, यूनिवर्स प्लीज मेरी ये चीज मुझे मिल गई है और ये मुझे मेरी चीज देने के लिए थैंक यू सो मच, मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल रहूंगी आपके लिए। इस तरीके से मैं बोल के सो जाती हूँ और आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ये मैनिफेस्ट होगी ही होगी और ये चीज मुझे मिल जाएगी। तो ये मेरी छोटी डिजायर है, आप इसको बड़ी डिजायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कीजिए, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस आप चीज में डालेंगे उतनी चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर जाएगी। ठीक है,
तो इसको इसी तरीके से यूज करना है, ये बहुत पावरफुल मेथड है, इसको आप यूज कीजिए, ये आपके लिए काम करेगा, लाखों लोगों के लिए काम किया है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी बदलेगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।